तुझे मेरे पे भरोसा है? नहीं। गुड भाई प्लीज। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। इसकी गारंटी क्या है? कौन सी गारंटी? हाँ सिक्योरिटी तुझे ना भाई। भाई कंसिस्टेंसी देख रहे हो, दो दिन में दो वीडियोस आ चुकी है। तो भाई लोग मैं हूँ पाहुल और आज मैं फिर से एक बार लेके आ गया हूँ एक बढ़िया सी वीडियो जहाँ पे हम करने वाले हैं मीम रिव्यू, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका मैच का प्रीव्यू, पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के मैच के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के भी कुछ मीम्स दिए गए थे वो भी कवर कर लेंगे। मतलब इस वीडियो में जितने मीम्स कवर कर सकते हैं कर ही लेंगे यार, एक पूरी वीडियो मीम रिव्यू के लिए। अब भाई पहले बात कर लेते हैं अपने पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे के मैच की, जिसकी पिछली वीडियो में उतनी बात नहीं कर पाए थे लेकिन हमने कुछ मीम्स पर रिएक्ट कर लिया था। भाई साहब सबने बोला था वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान के पेसर सबसे अच्छे हैं। अरे हाँ भाई है, मैं तो कह रहा हूँ, बट बैटिंग वीक थी और वही प्रूव हुआ जिम्बाब्वे वाले मैच में। भाई जिस दिन बाबर आजम और रिजवान नहीं चलेंगे उस दिन मिडल ऑर्डर भी नहीं चलेगा। ये तो इंडिया के अगेंस्ट सिफ्ती चाचू थोड़े रन मार गए वरना वहाँ पे भी बुरी हालत थी। बट भाई फुल क्रेडिट टू जिम्बाब्वे यार, क्या कमिटमेंट से खेली है टीम, क्या फील्डिंग करी थी, क्या बॉलिंग करी थी, एंड की बॉलिंग बहुत ज्यादा अच्छी थी और साथ ही साथ पूरा टाइट रखा पाकिस्तान की टीम को, बिल्कुल एक्स्ट्रा रन लेने नहीं दिए। बेचारे नवाज भाई हर बार इस सिचुएशन में अपने आप आगे कैसे आ जाते हैं। भाई पहले एशिया कप में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में मैच हरवाया था, उसके बाद T20 वर्ल्ड कप में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हरवा दिया, उसके बाद इस वाले मैच में भी हरवा दिया। अब तो बाबर भाई को डायरेक्टली ब्लेम करना ही पड़ेगा नवाज भाई को। बच पे चले। और अपने जिम्बाब्वे भाई ने भी केएल राहुल की तरह हमें रॉन्ग प्रूफ कर दिया, जिस टीम के अगेंस्ट चलना चाहिए था उसी टीम के अगेंस्ट नहीं परफॉर्म करे। और मैं तो कह रहा हूँ भाई अब जिम्बाब्वे के लिए एक आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट तो बनता है भाई, कम से कम सिकंदर रजा को तो मिल जाना चाहिए। पूरे वर्ल्ड कप में बंदे ने बैटिंग भी तगड़ी करी और बॉलिंग भी तगड़ी कर रहा है। अब मीम रिव्यू में जाने से पहले थोड़ी सी बात अपनी इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका की कर लेते हैं। भाई मैच देखो आसान नहीं होने वाले, लेकिन इस बार तो पाकिस्तान का भी सपोर्ट है अपने को, क्योंकि अब अगर इंडिया साउथ अफ्रीका को हरा देती है तो भैया पाकिस्तान का फायदा होने वाला है इसमें। पाकिस्तान को क्वालिफिकेशन में थोड़ी सी हेल्प मिल सकती है, बट उनका क्वालिफाई होना बहुत ही मुश्किल, तो देखा जाएगा क्या होता है। अब बाकी इंडियन टीम की बात करें तो मुझे नहीं लगता है टीम में किसी चेंज की जरूरत है, क्योंकि जो टीम विनिंग कॉम्बिनेशन खेलती आ रही है वर्ल्ड कप में उसको चेंज करना रिस्की लग रहा है भैया, मैं तो ना करूं। इवन आई नो केएल राहुल की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही है, बट आई थिंक थोड़ा रिस्क हो सकता है भैया विनिंग कॉम्बिनेशन से चेंज करना, क्योंकि पंत और हुड्डा दोनों जो बाहर बैठे हुए हैं वो दोनों ही ओपनर नहीं है, उनको ओपनिंग पे खिलाया जाएगा अगर खिलाया जाए तो, वरना विराट और रोहित को ओपनिंग करनी पड़ेगी। लेकिन विराट भाई अपने तीन नंबर पे बढ़िया खेल रहे हैं तो खेलने दो, मेरे हिसाब से स्क्वाड सही है। आई थिंक पंत भाई को भी थोड़ा और वेट करना पड़ेगा, चेंजेस मुश्किल ही लग रहे हैं। लेकिन एक बार ये वाला मैच जीत गया उसके बाद तो बांग्लादेश और जिम्बाब्वे के साथ है उसमें खिला लेंगे यार पंत और हुड्डा दोनों को। और भाई वन सब्सक्राइब इज इक्वल टू वन सैड ऋषभ पंत यार, प्लीज सब्सक्राइब मारो ऋषभ पंत के वास्ते। बट देखो पर्थ की पिच तो शायद पेसर्स की ज्यादा जरूरत पड़ सकती है। अब देखो चार पेसर्स अपने पास वैसे ही है, हार्दिक भाई अगर बॉलिंग कर रहे हैं तो चारों ओवर, बट उसके अलावा अगर फोर्स चेंज होता है कि अश्विन को बैठा के हर्षल पटेल को वापस लाया जा रहा है तो भाई मुझे लगता है कि अश्विन भाई ज्यादा तेज डाल देते हैं हर्षल पटेल से, तो कोई जरूरत नहीं है उस चीज की। बाकी एक अच्छी न्यूज की बात करनी थी कि बीसीसीआई ने अब इक्वल पे की अनाउंसमेंट कर दी है, यानी कि मेंस टीम को जो पे मिलती थी उतनी ही पे अब विमेंस टीम को मिलने वाली है, तो मेरे हिसाब से काफी अच्छा मूव है। एंड आई थिंक इस इक्वल पे वाले डिसीजन से सब लोग खुश होंगे, क्योंकि जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए भाई, चाहे वो स्पोर्ट्स हो चाहे जो मर्जी भी हो। लेकिन तुम लोग के क्या ओपिनियंस है तुम लोग भी कमेंट्स में डाल देना। और यार फीस की अगर बात हो रही है तो क्या ऐसा हो सकता है कि केएल राहुल के नेदरलैंड्स वाले मैच की फीस काट के जिम्बाब्वे को दे दी जाए, यार उन्होंने ज्यादा अच्छा काम किया है। मैं पहले भी कह चुका था शोएब भाई, पाकिस्तान इस हफ्ते पाकिस्तान वापस आ जाएगी और अगले हफ्ते इंडिया वापस आ जाएगी। अच्छा के वापस आ जाएगी, वो भी कोई इतने वो 30 मार खान नहीं है। पहली बात तो हम सेमीफाइनल्स में जा रहे हैं, दूसरी बात शोएब भाई आपने ऐसा कैसे सोच लिया कि हम सेमीफाइनल्स नहीं जीतने वाले? बेटा जिस फॉर्म में अपनी टीम है भाई, आप अपनी बात करो, हम अपना देख लेंगे, ठीक है हम पहुंच रहे हैं और हम जीत के भी आ रहे हैं। और अब तो उल्टा पाकिस्तान हमारी जीतों पे डिपेंडेंट है, तो थोड़ा सा इज्जत चाहिए अपने को। हम वो गुड्डू नहीं है जो लिबे लिबे करते थे, हमारी मम्मी को चाहिए फुल इज्जत है। केएल राहुल 9 of 12, अब ये कह रहे हैं कि वर्ल्ड T20 में भी ऑरेंज कैप रखवा दो। भाई क्यों नहीं रखवाते यार, अभी तक तो हो जाना चाहिए था यार। केएल राहुल ने इतने आपको इंडिकेशंस दे दिए, एशिया कप में भी उन्होंने बता दिया था हमें, क्लियर मैसेज है भाई उनकी तरफ से, ऑरेंज कैप होगी तो ही रन मारने हैं, वरना यार परफॉर्मेंस ऐसे ऐसी रहेगी, मतलब ओके रहेगी। ठीक है T20 वर्ल्ड कप टिल नाउ अभी कवर लेके भाई यही हो रहा है सच में
सही में भाई इतने बढ़िया बढ़िया मैचेस अबैंडन हो रहे हैं भाई। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड अबैंडन हो गया, अफगानिस्तान का आयरलैंड के साथ ग्रुप वन के तो मोस्टली मैचेस अबैंडन हो रहे हैं। साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे का भी अबैंडन हो गया। मैंने देखो प्रेडिक्ट कर लिया था भाई ग्रुप वन में सारा खेल नेट रन रेट का ही होने वाला है और भाई वही चीजें हो रही है उनके साथ। लेकिन एडवांटेज अभी भी न्यूजीलैंड के पास है तो न्यूजीलैंड शायद बाजी मारने को देखेगी। ऊपर से आज जब वीडियो आ रही होगी तो न्यूजीलैंड वर्सेस श्रीलंका का मैच भी होगा जिसमें मेरी प्रेडिक्शन सिर्फ इतनी सी है भैया कि श्रीलंका जीत सकती है। मैं बता रहा हूं भाई तभी इंटरेस्टिंग होगा। मैं तो बोल रहा हूं भाई श्रीलंका अपसेट करके जाएगी और जीतेगी ये वाले मैच। मीनवाइल ऐसे भी नहीं सिंधास इन्हें की कर रहा जिम्बाब्वे को लार गया जी यार जिम्बाब्वे को नू ओ जिम्बाब्वे को नू पीछे क्रिकेट की रहेगी ये साडे कोल कुछ नहीं होता जी श्री वो 3 ओवर में 6 रन खराब नहीं आती तुम लोगों को भाई मार किसको रहे दीवार को सालो मर जाए उधर गंदे नाले में गिर के साले। फेसबुक पे ट्विटर पे देखो तो इनसे बड़ा कोई हीरो ही नहीं है। खेलने होता नहीं संभव से हर के साले कुत्ते। भाई बंदा भाई ये बंदा बहुत गुस्से में भाई इससे कोई इसके आसपास नहीं जाना चाहिए भाई इस समय भाई ये बहुत गुस्से में बंदा। उसे अच्छा तो गली क्रिकेट है छोड़ो आप दो सबको पॉइंटर वापस आओ साले कुत्ते दो सबको पॉइंटर वापस आओ। भाई फ्रस्ट्रेटेड तो है बंदा। बाबा आजम मैं तेरे होटल आ रहा हूं जूतियां मारन मैंने तेरा रूम का नंबर पता लग गया पहुंच होटल तू मैं आ रहा हूं नहीं आ रहा गाड़ी काट डाले काट डाले काट बात भाई सब पीछे पड़े हुए भाई बाबर आजम के तो सब पीछे पड़ गए भाई बेचारा मतलब यार बाबर आजम के इतना पीछे पड़े हुए भाई पाकिस्तान वापस जाके ये हालत ना हो रही है बाबर आजम की। हमारा टारगेट है हम नहीं जीतेगा फिर खेलते क्यों है हमारा मर्जी। पाकिस्तान इन दिस वर्ल्ड कप हम नहीं जीतेगा हमको जीतने का ही नहीं है हमको नहीं जीतने का है हम बांग्लादेश की तरह खेलेगा हमको नहीं जीतने का। आई थिंक इट्स रियली चेंज फॉर देम ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान 2019 ओडीआई वर्ल्ड कप पाकिस्तान। ओ सेम मीम मिल गया भाई ये देखो भाई कोई ना कोई तो मीम निकाल ही देता है ये वाला भाई पाकिस्तान के लिए कहीं 2023 वर्ल्ड कप में भी ऐसा सिमिलर मीम ना बन जाए। ये लड़का बैठे शोएब मलिक अब मैं अगर कप्तान होता मेरा एंड गोल क्या है एज अ स्किपर जीतना Exactly. How to win the World Cup. Correct. अगर मुझे उसके लिए वक्त पे गधे को भी बाप बनाना पड़े मैं बना लूंगा बिकॉज मेरा अपना उल्लू मैं वर्ल्ड कप जीतने जा रहा हूँ। अगर मुझे शोएब मलिक चाहिए मिडल में आई मेक श्योर टू द चेयरमैन एंड सेलेक्टर अदरवाइज से आई एम नॉट कैप्टन के साइड अनलेस आई गेट माय प्लेयर। भाई ये तारीफ करी या क्या था ये अबे शोएब मलिक मैं बोल रहा हूँ मुझे क्यों थोड़ा क्या तारीफ कर रहे थे क्या कर रहे थे ये सोचना पड़ेगा इस बारे में कुछ तो खेल गए यहाँ पे वसीम अकरम भाई। Yes, who? Wrong answers only. जाने पहचानी सी बॉडी है श्रेयस अय्यर। ओ भाई शादाब भाई भाई ऑनेस्टली बोलूंगा भाई इस बंदे ने अपनी फुल परफॉर्मेंस दी है भाई वो भी ऐसी पिच पे जहाँ पे पेसर्स परफॉर्म करते हैं। बंदे ने 3 विकेटें निकाली जिम्बाब्वे वाले मैच में इसने तो अपना फुल एफर्ट दिया है और शादाब भाई देते ही यार जिस मैच में भी देख लो शादाब भाई की अच्छी परफॉर्मेंस रहती है चाहे बैट से भी हो चाहे बॉल से भी हो। वेट इज पाकिस्तान आउट ऑफ द वर्ल्ड कप यस बट यू कैन मैरी मी एंड बिकम इंडियन सो वी कैन एंजॉय इंडियन विक्ट्री इन वर्ल्ड कप। ए भाई खेल गया लड़का स्मूथ है भाई स्मूथ बंदा खेल गया है यहाँ पे देखिए दोस्तों इसको कहेंगे हम जीत लौंडे की जीत हुई है। सल्यूट सल्यूट गर्ल्स वीकनेस बॉयज वीकनेस भाई बस यार खेल रहा हूँ भाई अभी उस पॉइंट पे आ गए केएल भाई के लिए बुरा लगने लग गया है अब हमें ठीक है आखिर मीम्स उस पॉइंट पे आ गए हैं। इफ जिम्बाब्वे बीट बांग्लादेश एंड नेदरलैंड्स एंड साउथ अफ्रीका लूज टू बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान जिम्बाब्वे विल क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल्स। ओ हो 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 हो
भाई ये मैं देखना चाहूंगा, ये मैं बिल्कुल देखना चाहूंगा भाई। जिम्बाब्वे अगर क्वालिफाई कर जाती है और उस ग्रुप से श्रीलंका जैसी टीम निकल जाती है, क्योंकि भैया ऑस्ट्रेलिया भी ज्यादा खास लग नहीं रही है और इंग्लैंड के भी हाल इधर उधर ही हो रखे हैं, तो भाई मजे आने वाले इस वर्ल्ड कप में, यादगार वर्ल्ड कप बनने वाला है। पाक फैंस ऑन संडे, सूर्या भाई को सपोर्ट आ रहा है पाकिस्तान की तरफ से, बिकॉज अगर इंडिया जीतती है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट तो पाकिस्तान की क्वालिफिकेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। Not being fooling Zimbabweans. Zimbabwe no game, Pakistan at the World Cup. Let's go! भाई जिसको पार्क बीन वाला कॉन्टेक्स्ट नहीं पता, पहले ये जान लो कि पार्क बीन एक बंदा है जो मिस्टर बीन की कॉपी करता है, जो कि एकदम ऐसा दिखता है मिस्टर बीन की कॉपी जैसा। और ये जिम्बाब्वे में गया था, जिम्बाब्वे के लोगों को पागल बना के आया कुछ दिन पहले। और पाकिस्तान जिम्बाब्वे के मैच से पहले एक बंदे ने ट्वीट करा कि ये बंदा हमें कुछ दिन पहले पागल बनाने आया था पाकिस्तान से और हम इसका बदला लेंगे जिम्बाब्वे पाकिस्तान मैच में। और कुदरत का करिश्मा बदला ले भी लिया गया भाई पूरी तरीके से, बड़े मजाक मजाक इतनी बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी बन गई भाई। प्रेसिडेंट ऑफ जिम्बाब्वे ने भी ट्वीट कर दिया इस बारे में। और अब जब पाकिस्तान मैच हार गए तो बंदे ने एक वीडियो भी बना के डाली, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। हेलो, ये देखो ये बंदा। माय लवली लवली माय फ्रेंड, ऑनेस्टली बोलू मिस्टर बीन जैसा लग तो रहा है बट थोड़ा बड़ा पाव ज्यादा हो गया है। इंडिया विन बाय 4 विकेट्स, लाइन फैंस मोमेंट है भाई, मोमेंट है। अरे भाई कोहली और विराट का ब्रोमांस, रोहिराट ब्रोमांस, यार ये देखने को मिलता रहे समय इस वर्ल्ड कप में तो ही मजे आते हैं यार इन दोनों को देखने में। बेस्ट कैमियो ऑफ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, ट्री ऑफ फन फ्रॉम द स्टंप्स भाई। तही में स्टंप्स ने अलग ही हमें अपना मतलब कैमियो दे दिया था और इसी की वजह से हम कहीं ना कहीं मैच जीते यार। स्टिल अ बेटर स्ट्राइक रेट देन केएल राहुल, एवरेज ऑफ विराट कोहली इन सक्सेसफुल रन चेज इन टी20 वर्ल्ड कप इज 518। भाई साहब 518 एवरेज, मतलब बंदा आउट ही नहीं होएगा अभी, नॉट आउट। क्रेजी कोहली भाई। पाकिस्तान फैंस और संडे, ए बैठे फिर से एक बारी फिर से बोलूंगा भैया कि सारी उम्मीद अब हमारे ऊपर ही है। अगर इंडिया कल का मैच हार गई ना तो फिर तो भाई कुछ हो ही नहीं सकता पाकिस्तान का, क्योंकि फिर तो साउथ अफ्रीका आ जाएगी वर्ल्ड कप में। बट इंटरेस्टिंग तो देखो तभी होगा जब साउथ अफ्रीका को भी अपनी टीम हरा दे और इंडिया हरा ही देगी यार। ठीक है, 14 बारी देखी हाईलाइट पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे। अब जाके सुकून मिला गाइस। भाई ये वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अब आ रहा है इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका वाला मैच, भाई इंडिया जीतेगी, मजा आएगा और 3-0 करके सेमीज में ऑलमोस्ट निकल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई, कमेंट्स बता देना तुम्हें वीडियो कैसी लगी, लाइक भी कर देना। मैं मिलूंगा तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स सो मच वॉचिंग, लव यू ऑल।